अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शमा असलम, आपकी फेवरेट यूट्यूब चैनल कॉपी क्लास में। मैं आज डिस्कस करने जा रही हूँ फाइलम रोटिफेरा के बारे में। फाइलम रोटिफेरा यानी कि व्हील बियर एनिमल्स, इनका नाम ही इस वजह से ड्राइव किया गया है क्योंकि इनके पास सीलिएटेड ऑर्गन है। क्या है? सीलिएटेड ऑर्गन, जिसको हम कहते हैं कोरोना। यानी कि अब ये कहाँ मौजूद होता है, ये जो सीलिएटेड ऑर्गन है ये किस जगह मौजूद होता है? ये इन जानदारों के हेड के इर्द गिर्द जो है ना लोब्स पर ये मौजूद होता है, अराउंड लोब्स ऑन द हेड ऑफ दीज एनिमल्स। इस ऑर्गन की वजह से फाइलम रोटिफेरा को रोटिफेरा नाम दिया गया है। अब कोरोना का फंक्शन क्या है जी? इसका फंक्शन ये है कि इसने फूड को गैदर करना है, ना सिर्फ फूड को गैदर करना है बल्कि एनिमल की लोकोमोशन में भी अपना फंक्शन परफॉर्म करना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जो कोरोना की जो सीलिया है ना, उन्होंने समल्टेनियसली अपना एक्शन को परफॉर्म नहीं करना, बल्कि इसके बजाय हर जो सीलियम है ना वो स्लाइटली अर्लियर स्टेज में होगा, ठीक है, बीट साइकिल में स्लाइटली अर्लियर स्टेज में होगा, उसके बाद जो है ना नेक्स्ट सीलियम जो है ना वो सीक्वेंस में आएगा। क्लियर है ये चीज? अब ये जो बीटिंग सीलिया की जो वेव है ना, बीटिंग सीलिया की जो वेव है वो इस तरह से सीलिएटेड लोब्स के किनारों पे हमें नजर आती है, जैसा कि स्पिनिंग व्हील के पेयर्स का इम्प्रेशन नजर आ रहा होता है। क्लियर है चीज? इस वजह से इन जानदारों को हम लोग व्हील एनिमल क्यूल्स भी बोलते हैं। सवाल ये है कि क्यों फाइलम रोटिफेरा को हम लोग व्हील एनिमल क्यूल्स बोलते हैं? तो इसकी रीजन ये है कि इनके ऊपर बीटिंग सीलिया की जो वेव है ना वो इस तरह से सीलिएटेड लोब्स के किनारों के इर्द गिर्द नजर आ रही होती है, जिस तरह से पेयर स्पिनिंग व्हील का जो पेयर है ना उसका इम्प्रेशन जो है ना वो होता है। इस वजह से इनको हम लोग क्या कहते हैं? व्हील एनिमल क्यूल्स। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं जी, इसका साइज क्या होता है जी? इसका साइज है 0.1 से लेकर 3 मिलीमीटर इन लेंथ इनका साइज है। सबसे ज्यादा ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, चंद अदद यानी कि लेस देन 10% जो है वो मरीन एनवायरनमेंट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। बॉडी जो है ना उसके पास थाउजेंड्स ऑफ सेल्स होते हैं, अप्रोक्सीमेटली आर थाउजेंड सेल्स, तकरीबन जो है ना थाउजेंड सेल्स होते हैं ना बॉडी के पास मौजूद होते हैं। और इनके जो ऑर्गन्स है ना वो ईयूटेली है, यानी कि सोमैटिक सेल्स की जो तादाद है ना वो इनके अंदर क्या होती है? फिक्स्ड होती है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ इस चीज को, जो बॉडी है ना इसके पास थाउजेंड सेल्स होते हैं, तकरीबन थाउजेंड सेल्स होते हैं, और इनके जो ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होते हैं? ईयूटेलिक होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ सोमैटिक सेल्स आर फिक्स्ड व्हेन दे रीच एट मेच्योरिटी। जब ये मेच्योरिटी में पहुंचते हैं तो इनके नंबर ऑफ सोमैटिक सेल्स क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं। अब इनका हैबिटेट क्या है जी? दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, ये आमतौर पर सोलिटरी भी रहते हैं, फ्री स्विमिंग भी है, ठीक है, आमतौर पर जो है ना ये कॉलोनियल फॉर्म में भी हम लोग इसको जानते हैं, और बहुत ज्यादा ऐसे भी हैं जो कि सैंड के ग्रेन्स में मौजूद होते हैं। फ्रेश वाटर भी है, मेरीन भी है, ठीक है, और ये अकेले भी रहना पसंद करते हैं, फ्री स्विमिंग एनिमल्स भी हैं, ठीक है, और कुछ ने कॉलोनियल फॉर्म में भी पाए जाती हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं इसके इसकी करैक्टरिस्टिक्स के बारे में, कि कौन कौन सी ऐसी करैक्टरिस्टिक्स हैं जो कि फाइलम रोटिफेरा को डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करती हैं। इनकी जो बॉडी है ना वो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है। कैसी ऑर्गेनाइजेशन है? ट्रिप्लोब्लास्टिक, बाइलेटरल है, अनसेगमेंटेड है, ठीक है, यहाँ पे सेगमेंट नहीं मौजूद, सीडोसिलोम है। क्या है? सीडोसिलोम है। कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक हम लोग को नजर आ रही है। क्या है? माउथ है, ठीक है, उसके बाद फेरनक्स, और उसके बाद हम लोग को यहाँ पे स्टमक, इंटेस्टाइन, कंप्लीट जो है ना वो डाइजेस्टिव सिस्टम इसके अंदर मौजूद है। अब इंटीरियर जो एंड है ना उसके पास एक सीलिएटेड ऑर्गन है इन कोरोना, ठीक है, और पोस्टीरियर जो एंड है इसके पास टू यानी कि क्या मौजूद है? इसके पास एडहेसिव ग्लैंड्स, पेडल ग्लैंड्स भी मौजूद है। वेल डेवलप्ड इसकी क्यूटिकल है, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। वेल डेवलप्ड क्या है? क्यूटिकल है। प्रोटोनिफीडिया, ये जो आपको नजर आ रहा है ना यहाँ पे प्रोटोनिफीडिया, इसके पास फ्लेम बल्ब भी है। क्या है? इसके पास फ्लेम बल्ब।
अब मेल जो है ना आमतौर पर इनके बहुत ही कम इनकी तादाद होती है या फिर एब्सेंट होते हैं या होते ही नहीं है या फिर मेल्स की तादाद क्या होती है बहुत कम होती है। और पार्थेनोजेनेसिस का जो प्रोसेस है ना इन स्पीशीज में बहुत ही आम है। ये थी तकरीबन 7 इसकी डिफरेंट करेक्टरिस्टिक जो कि इस बात की डिफ्रेंशिएट करती है कि उसको डिफरेंट फाइलम में होना चाहिए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में। किसके बारे में? एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में बताया मैंने। इसकी वेंड वेट क्या होती है? क्यूटिकल होती है। अब एपिडर्मली सिक्रेटेड क्यूटिकल है ना सारी की सारी ना बॉडी जो है ना उसको एक्सटर्नल सरफेस के ऊपर कवर किया हुआ है। एंड एपिडर्मली सिक्रेटेड क्यूटिकल कवर्स आर रोटिफर एक्सटर्नल सरफेस। अब बहुत ज्यादा ऐसी स्पीशीज होती हैं कि जहां पे जो क्यूटिकल है ना वो मोटी होकर एक इनकेसमेंट बना देती है जिसको हम लोग लोरिका का नाम देते हैं। लोरिका यानी कि लूज फिटिंग केस। क्यूटिकल ने क्या होना है? मोटा होकर लोरिका बना देना है। अब क्यूटिकल या फिर ये जो लोरिका है इसका काम क्या है जी? इसने क्या करना है जी? बॉडी को प्रोटेक्शन देनी है। क्या करनी है? बॉडी की हिफाजत करनी है। कैसे हिफाजत करनी है? इसने मेन सपोर्टिव एलिमेंट के तौर पर काम करना है। अब नो डाउट कि साइटोसोलियम भी यहाँ पे मौजूद है। क्या है? साइटोसोलियम भी मौजूद है जिसने एक्ट करना है एज अ हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन। साइटोसोलियम होने के बावजूद भी जो है ना लोरिका ने क्या करना है? बॉडी को प्रोटेक्शन देनी है, बॉडी की हिफाजत करनी है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करनी है। क्लियर है ये चीज? ये जो एपिडर्मल है ना वो स्केंटियल है यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं मौजूद न्यूक्लिया के दरमियान। क्या है? नो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर बिटवीन न्यूक्लियाई। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हेड। हेड के पास क्या है जी? हेड के पास कोरोना मौजूद है, माउथ है। ये जो आपको नजर आ रहा है ना स्ट्रक्चर, ये माउथ है। ठीक है, ये हेड के पार्ट में डिस्कस करने लगी हूँ। माउथ है, कोरोना है, सेंसरी ऑर्गन्स है। क्या है? सेंसरी ऑर्गन्स यहाँ मौजूद है और ब्रेन भी है। ये दिस इज द पार्ट ऑफ द हेड। हेड कंटेन कोरोना, माउथ, ब्रेन एंड सेंसरी ऑर्गन्स। अब ये जो कोरोना है ना इसके इर्द गिर्द लार्ज सिलिएटेड एरिया मौजूद है। इसके इर्द गिर्द क्या मौजूद है? लार्ज सिलिएटेड एरिया जिसको हम लोग बकल फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बकल फील्ड बोलते हैं। ट्रंक जो है ना इस बॉडी का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। ट्रंक इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द रोटिफेरा स्पीशीज। अब ये लंबा भी है और ऐसे हम लोग को थैलियन के सैकलाइट भी सैकलाइट है। एनस जो है ना इसे डोर्सली पोस्टीरियर ट्रंक में मौजूद होना है। एनस कहाँ मौजूद है? एनस अकर डोर्सली ऑन द पोस्टीरियर ट्रंक। ये पोस्टीरियर ट्रंक पर डोर्सली मौजूद है। अब नेक्स्ट बात करते हैं फुट के हवाले से कि फुट कहाँ पे मौजूद है। फुट जो है ना वो नैरो पोर्शन है, पोस्टीरियरली नैरो पोर्शन है जिसको हम लोग फुट कहते हैं। टर्मिनल पोर्शन ऑफ द फुट, आमतौर पर ये जो टर्मिनल पोर्शन है ना फुट का उसके पास एक या फिर दो क्या है? टूज मौजूद है। एक ही हो सकता है या फिर दो टूज मौजूद होते हैं। अब फुट की जो बेस है ना इसके पास बहुत ज्यादा जो है ना पैडल ग्लैंड्स मौजूद हैं जिनकी जो नालियां ना वो ओपन होती हैं टूज की तरफ। अब इन ग्लैंड से जो सीक्रेशन होनी है उसने आरजी तौर पर हेल्प करनी है, उसने मदद करनी है कि आरजी तौर पर जो फुट है ना वो सबस्ट्रेटियम के साथ अटैच हो जाए। ये था बेसिकली एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में किस तरह से जो क्यूटिकल है ना वो हेल्प करती है, इसका हेड के में कौन कौन से ऑर्गन्स पाए जाते हैं, ट्रंक कैसा और फुट कैसा। ये था एक्सटर्नल फीचर्स। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग इसकी फीडिंग और डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। बहुत ज्यादा मतलब कि रोटिफेरा जो है ना वो अपनी खुराक जो है ना स्मॉल ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं या फिर स्मॉल ऑर्गेनिजम्स पे या फिर सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मटेरियल को खाकर अपनी खुराक जो है ना वो हासिल करती हैं। ये जो क्रोनियल सीलियन है इसने वाटर का करंट जो है ना क्रिएट करना है जिसकी मदद से फूड के जो पार्टिकल है ना वो माउथ में पहुंच जाती हैं। क्लियर है ये चीज कि कैसे कैसे खुराक जो है ना वो मुंह में आती है। क्रोनल सीलिया क्रिएट अ करंट ऑफ वाटर दैट ब्रिंग फूड इनटू द माउथ।
अब जो क्रोनियल सीली है ना, नेक्स्ट जो यहाँ से माउथ से जो खुराक जाएगी फेरनेक्स के अंदर, कहाँ जाएगी? फेरनेक्स से। फेरनेक्स के पास एक खास किस्म का स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग मास्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास्टेक्स, यानी कि जबड़े मौजूद है। ये जो मास्टेक्स है ये मस्कुलर ऑर्गन है जिसने फूड को ग्राइंड करना है। मास्टर का क्या फंक्शन है? इसने क्या करना है? फूड को ग्राइंड करना है। अब मास्टर जो इनर वाल है ना, उसके पास बहुत ज्यादा जो है ना जबड़ों के सेट मौजूद है, यानी कि ट्रोफाई मौजूद है। क्या मौजूद है? ट्रोफाई मौजूद है। ट्रोफाई जो है ना मुख्तलिफ जो है ना इसकी मॉर्फोलॉजिकल डिटेल है जो बहुत ज्यादा टैक्सोनॉमिस्ट को हेल्प करती है कि वो आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सके स्पीशीज को। अब मास्टेक से फूड ने पास होना है एक छोटी सी सीलिएटेड फेरनेक्स के अंदर। कहाँ पे पास होना है? सीलिएटेड एसिलेटेड इसोफेगस में। कहाँ पे? इसोफेगस के अंदर। अब नेक्स्ट इसोफेगस से खुराक ने मूव करना है स्टमक के अंदर। कहाँ मूव करेगी? सीलिएटेड स्टमक के अंदर। अब ये जो सिलीवरी ग्लैंड्स मौजूद है ना, सिलीवरी ग्लैंड्स, और ना सिर्फ सिलीवरी बल्कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स ने सीक्रीट करना है डाइजेस्टिव इंजाइम्स को। सिलीवरी ग्लैंड्स और डाइजेस्टिव ग्लैंड ने कहाँ पे सीक्रीट करना है इंजाइम्स को? स्टमक के अंदर। स्टमक और फेरनेक्स के अंदर इंजाइम्स को सीक्रीट करना है। सारी की सारी जो है ना एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन वो स्टमक के अंदर होनी है। कहाँ पे होनी है? स्टमक के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन अकर, और खुराक की जो एब्जॉर्प्शन होनी है ना वो भी स्टमक के अंदर होनी है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड अकर इन द स्टमक। अब कुछ ऐसी स्पीशीज हैं जिनमें जो है ना वो एक शॉर्ट सीलिएटेड इंटेस्टाइन एक्सटेंड करती है पोस्टीरियरली। पोस्टीरियर पर क्या है जी? इंटेस्टाइन जो है ना वो एक्सटेंड करती है स्टमक से। इंटेस्टाइन एक्सटेंड पोस्टीरियरली एंड बिकम्स अ क्लोकल ब्लडर। इससे किसकी फॉर्मेशन कर देनी है? एक क्लोकल ब्लडर की फॉर्मेशन हो जाती है जिससे। अब पोस्ट और सीलिएटेड इंटेस्टाइन एक्सटेंड पोस्टीरियरली एंड बिकम्स, और क्या बन जाती है? क्लोकल ब्लडर जिसने रिसीव करना होता है पानी को। इसका क्या फंक्शन है क्लोकल ब्लडर का? इसने रिसीव करना होता है पानी को कहाँ से? प्रोटोनेफ्रिडियल से। प्रोटोनेफ्रिडिया से क्या इसे रिसीव करना है? पानी को। ना सिर्फ ये कि इसने प्रोटोनेफ्रिडिया से पानी को रिसीव करना है बल्कि इसने एग्स को भी रिसीव करना है। एग्स को कहाँ से रिसीव करना है? इसने एग्स को ओवरी से रिसीव करना है। अब नेक्स्ट इसका जो फंक्शन है ना, ना सिर्फ ये कि इसने पानी को लेना है, एग्स लेने हैं, बल्कि इसने डाइजेस्टिव वेस्टेस को भी रिमूव करने में हेल्प करनी है। रिसीव करना है किसको? डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, वेस्टेस को, एग्स को और वाटर को। कहाँ से? प्रोटोनिफ्रिडिया से। एग्स को ओवरी से। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्लोकल जो ब्लडर है ना ये ओपन होता है आउटसाइड की तरफ एनस के जरिए। किस पोर्शन के जरिए? क्लोकल आउटसाइड होता है ओपन एनस के जरिए, और जो कि एनस जंक्शन है फुट और ट्रंक के साथ। एनस क्या है? एक जंक्शन है, एक मिलाप है फुट का और ट्रंक का। नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो हो गया फेरनेक्स के पास एक खास किस्म का स्ट्रक्चर है जो मैंने बताया कि मास्टिक है। ठीक है, मास्टिक क्या है जी? एक मस्कुलर ऑर्गन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ दूसरे ऑर्गन सिस्टम के हवाले से, जैसे कि सारे के सारे जो है ना विसेरियल ऑर्गन वो सीडोसुलेम में मौजूद है। कहाँ मौजूद है? सीडोसुलोम के अंदर क्या मौजूद है? बहुत ज्यादा विसेरियल ऑर्गन्स। ठीक है, और सीडोसोलोम के अंदर फ्लूइड भी मौजूद है जिसने इंटरकनेक्ट किया हुआ है इम्बॉइड सेल्स को। अब ये जो प्रोटोनेफ्रिडिया है ना, इसका फंक्शन है ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर। किसमें फंक्शन है इसका? ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर। प्रोटोनेफ्रिडिया एम्प्टी इसने होना है एक क्लोएकल ब्लडर के अंदर। ठीक है, अब रोटीफर ना, ना सिर्फ रोटीफर बल्कि बहुत ज्यादा जो सीडोसिलोमेट्स जो है ना एनिमल्स हैं वो एक्सचेंज करते हैं गैसेस का और डिस्पोज करते हैं नाइट्रोजनस वेस्टेस को अक्रॉस दी बॉडी सरफेस। बॉडी सरफेस से इन्होंने गैसेस का एक्सचेंज करना है, ना सिर्फ गैसेस का एक्सचेंज करना है बल्कि डिस्पोज करना है नाइट्रोजनियस वेस्टेस को। नेक्स्ट बात करते हैं नर्वस सिस्टम के हवाले से। किसके हवाले से? नर्वस सिस्टम के हवाले से।
नर्वस सिस्टम जो है ना वो दो लेटरल नर्व्स के ऊपर मुश्तमिल है। कहाँ पे मुश्तमिल है? इज कंपोज्ड ऑफ टू लेटरल नर्व्स। अब और ना सिर्फ ये कि लेटरल नर्व्स मौजूद है बल्कि एक बाई लोब गैंग्लियोनिक ब्रेन भी है। ये आपको यहाँ पे डायग्राम पे नजर आ रहा है। क्या है? बाई लोब गैंग्लियोनिक ब्रेन है जो कि मास्टिक की डोर्सल सरफेस के ऊपर मौजूद है। सेंसी जो इसका स्ट्रक्चर है ना उसमें बहुत ज्यादा सिलरी क्लस्टर्स हैं। क्या है? सिलरी क्लस्टर्स हैं। ना सिर्फ सिलरी क्लस्टर्स हैं बल्कि सेंसरी ब्रिस्टल्स भी हैं जो कि शॉर्ट एंटीना या फिर कोरोना के ऊपर मौजूद हैं। अगर नेक्स्ट बात करूं किसके हवाले से, फोटोसेंसिटिव के हवाले से, तो 5 फोटोसेंसिटिव आई स्पॉट्स हैं जो के हेड पर मौजूद हो सकते हैं। कहाँ पर मौजूद हो सकते हैं? हेड पर 5 फोटोसेंसिटिव आई स्पॉट्स मौजूद हो सकते हैं। ये तो हो गई कुछ ऑर्गन सिस्टम के हवाले से बात। नेक्स्ट बात करते हैं कि किस तरह से रोटिफेरा के जो स्पीशीज है ना वो रिप्रोड्यूस करती हैं, या इन अदर वर्ड्स किस तरह से रिप्रोडक्शन का मैकेनिज्म होता है इन डिफरेंट क्लासेस ऑफ फाइलम रोटिफेरा। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करती हूँ कि कुछ जो रोटिफेरा है उन्होंने रिप्रोड्यूस करना है सेक्चुअली। बहुत ज्यादा जो इसकी टाइप्स है उन्होंने पार्थिनोजेनेसिस के जरिए ही रिप्रोड्यूस करना है। स्मॉलर मेल्स अपीयर्स ओनली स्पोरेडिकली इन वन क्लास। मोनोग्रेंटिया की ही एक ऐसी क्लास है जिसके अंदर जो है ना मेल्स ने प्रोड्यूस होना है स्पोरेडिकली। कोई भी मेल नहीं मौजूद पीरिलोबडिया स्पीशीज के अंदर, इस क्लास के अंदर कोई भी मेल नहीं मौजूद। अगर हम बात करें क्लास साई सेरिडिया की तो इसमें ऐसा होता है कि फुली डिवेल्प्ड मेल होता है। क्या होता है? फुली डिवेल्प्ड मेल्स एंड फीमेल्स आर इक्वली कॉमन। इस क्लास में क्या होता है? मेल और फीमेल की तादाद होती है इक्वली कॉमन होती है। बहुत ज्यादा रोटिफेरा के ऐसी स्पीशीज है जिनके पास सिंगल ओवरी होती है। क्या होती है? सिंगल ओवरी मौजूद होती है जो कि अटैच होती है एक सेनेटियल विटिलिडियम के पास जिसने प्रोड्यूस करना होता है योग को, और योग जो होती है वो इनकॉर्पोरेटेड होती है एग्ज में। योग कहाँ मौजूद होती है? एग्ज में मौजूद होती है। अब ओवरी और विटिलिडियम ने फ्यूज होकर जर्मी विटिलिडियम की फॉर्मेशन करनी है। क्या करना है? ओवरी और विटिलिडियम बाजुकात फ्यूज होकर सिंगल जर्मो वेटिलेडियम की बना देती हैं। अब जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो हर एग ने ट्रेवल करके एक शॉर्ट ओविडक्ट में चला जाना होता है। अब ओविडक्ट से मूव होना होता है फॉलिकल ब्लडर में, और इसके बाद इसकी इससे बाहर निकल जाना होता है इसकी ओपनिंग के जरिए। अब जो मेल्स है ना, मेल दी माउथ फॉलिकल ब्लडर और दूसरे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं या तो वो होते ही नहीं है या फिर डीजनरेट हो जाते हैं, ठीक है। और एक जो सिंगल टेस्टिस है ना उसने प्रोड्यूस करना होता है स्पर्म को। जैसे ही स्पर्म प्रोड्यूस हो जाएगा तो इसे ट्रेवल करना है वास डिफरेंस के अंदर, गोनोपोर की वास डिफरेंस के अंदर क्या करना है? ट्रेवल कर जाना है। मेल जो रोटिफेरा है ना आमतौर पर वो इवर्सिबल पिनस होती है जिसने इंजेक्ट करना होता है स्पर्म को। क्या करना होता है? स्पर्म को इंजेक्ट करना होता है जैसे कि हाइपोडर्मिक नीडल की तरह, ठीक है। किसमें? फीमेल की सीडोसोलोम के अंदर। क्या करना होता है? मेल रोटिफेरा ने स्पर्म को इंजेक्ट करना होता है एज ए नीडल के तौर पर फीमेल की सीडोसोलोम के अंदर। अब एक क्लास की बात करें, क्लास ये तो बात होगी मोस्टली की कि मोस्टली किस तरह से जो होता है ना ओवरी पाई जाती है या मेल किस तरह से जो है ट्रांसफर करता है स्पर्म को। नेक्स्ट बात करते हैं क्लास साइनोसीडिया की। अब ये ऐसी क्लास है जिसमें फीमेल जो है ना उसने हैप्लॉइड को एग को प्रोड्यूस करना है। क्या करना है? हैप्लॉइड एग को प्रोड्यूस करना है जिसने फर्टिलाइज्ड होकर या तो मेल की फॉर्मेशन कर देनी है या फिर फीमेल की फॉर्मेशन कर देनी है। नेक्स्ट अगर दूसरी क्लास विटिलिडिया की बात करें तो इसमें जो होती है ना फीमेल, सारी की सारी जो फीमेल्स होती है ना उन्होंने पार्थिनो जेनेटिकली रिप्रोड्यूस करना होता है जिसके नतीजे में डिप्लॉइड एग की फॉर्मेशन होती है। डिप्लॉइड एग की फॉर्मेशन होती है। जैसे ही डिप्लॉइड एग ने हैच करना है तो इसमें डिप्लॉइड फीमेल बन जाएगी। नेक्स्ट जो थर्ड क्लास है इसकी मोनोग्रेंटिया,
ऐसी क्लास है जिसमें दो डिफरेंट टाइप्स के जो एग है ना वो प्रोड्यूस होते हैं. क्या होते हैं? टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्स आर प्रोड्यूस्ड इन द क्लास ऑफ मोनो गोनेडिया और फाइलम प्रोटिफेरा. अब एमैक्टिक यानी कि विदाउट ब्लेंडेड या मिक्सिंग यानी कि थिन शेल्ड समर एग प्रोड्यूस होगा. थिन शेल्ड समर एग्स जबकि ये जो मैक्टिक एग है ना इसमें मिक्सिंग होगी, इसमें ब्लेंडेड होगी. अब होता क्या है जी, ये सारा का सारा लाइफ साइकिल ड्रा किया हुआ है मोनोब्लेंडिंग प्रोटीफिरा के अंदर. अब जो डोरमेंट है ना, डोरमेंट डिप्लॉयड रेस्टिंग एग, इसने हैच हो जाना है इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई. अब इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई में या तो वो मेल्टिंग स्नो हो सकती है या फिर जो है ना स्प्रिंग की जो है ना वो बारिश हो सकती है. किस तरह के इसको इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई मिलता है? मेल्टिंग स्नो या फिर स्प्रिंग रेन. अब डोरमेंट डिप्लॉयड रेस्टिंग एग्स ने हैच होकर क्या इसकी फॉर्मेशन कर देनी है डिप्लॉयड फीमेल की, जिससे जो फर्स्ट है ना वो एमैक्टिक जो है ना साइकिल शुरू होगा. अब दूसरे जो इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई है ना, दूसरी इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई से मुराद ये है कि पॉपुलेशन डेंसिटी और स्टैग्नेंट वाटर. इससे बाद में स्टिमुलेट करके प्रोडक्शन करनी है हैप्लॉइड मैक्टिक एग्स की. किसकी प्रोडक्शन करनी है? हैप्लॉइड मैक्टिक एग की प्रोडक्शन करनी है, जिसके नतीजे में ना डोरमेंट एग्स प्रोड्यूस होंगे. क्या होंगे? डोरमेंट एग्स. अब ये जो कैरीज करेंगे स्पीशीज को थ्रू दी समर, और जो ऑटमन रेन्स होगी वो इनिशिएट करेगी दूसरा एमैक्टिक साइकिल. ठीक है, फ्रोस्ट यानी कि जो थिन लेयर होती है ना आइस की, उसने तहरीक देनी है कि प्रोडक्शन हो सके मैक्टिक एग्स की दोबारा से. ठीक है, थिन लेयर ऑफ आइस ने क्या करना है? उसने तहरीक देनी है कि मैक्टिक एग्स की प्रोडक्शन हो सके दोबारा से. और देन जो है ना इवेंचुअली डोरमेंट रेस्टिंग जो है ना एग्स अलो करेंगे कि पॉपुलेशन जो है ना वो रोटिफेरा की ओवर विंटर तक काबिल रह सके, स्टेबलाइज रह सके. ये जितना भी आपको ये साइकिल नजर आ रहा है ना, ये पार्थिनोजेनेटिक एमैक्टिक साइकिल है. क्या है? पार्थिनोजेनेटिक एमैक्टिक साइकिल है. अब थोड़ा सा और डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं. ये तो हो गया थोड़ा सा कि किस तरह से इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई ना से एक स्टेज जो दूसरी स्टेज में मूव करती है. एमैक्टिक यानी कि मैंने अभी आपको बताया कि विदाउट ब्लेंडेड. ठीक है, एग्स आर प्रोड्यूस्ड बाय माइटोसिस. एग्स ने प्रोड्यूस करना है माइटोसिस के जरिए. ठीक है, और डायरेक्टली डिवाइड कर जाना है एमैक्टिक फीमेल्स के अंदर. अब जो थिन शेल मैक्टिक एग्स है ना वो क्या है? बेसिकली हैप्लॉइड. अगर तो मैक्टिक एग फर्टिलाइज नहीं होता, क्या कंडीशन है कि मैक्टिक एग अगर तो फर्टिलाइज्ड नहीं होता तो इसने डिवेल्प कर जाना है पार्थिनोजेनेटिकली, किसमें? मेल के अंदर. क्लियर है ये चीज? अगर तो मैक्टिक एग फर्टिलाइज्ड हो जाता है, क्या हो जाता है? मैक्टिक एग क्या हो जाता है? फर्टिलाइज्ड हो जाता है, तो देन मैक्टिक एग ने एक सीक्रिएट करनी है एक मोटी सारी लेयर हैवी शेल एंड बिकम आर डोरमेंट और या रेस्टिंग एग, विंटर एग बन जाना है. अब जो डोरमेंट जो एग है ना उसने हैच करना है जब भी स्नो ने मेल्ट करना है या फिर स्प्रिंग रेन से. क्या करना है डोरमेंट एग ने? क्या करना है? हैच कर जाना है विद द हेल्प ऑफ मेल्टिंग स्नो एंड स्प्रिंग रेन इन टू एमैक्टिक फीमेल्स के अंदर. अब क्लियर हो गया मजीद कि आप जब अर्लियर समर होना ना तो कुछ फीमेल्स ने ना शुरू कर देना है कि वो मैक्टिक एग्स को प्रोड्यूस कर सके. मेल अपीयर्स, जिसके नतीजे में होगा क्या होगा कि मेल अपीयर हो जाएंगे और प्रोड्यूस करेंगे एंड डोरमेंट एग्स आर प्रोड्यूस. मेल भी अपीयर होंगे और डोरमेंट एग्स भी अपीयर्स होंगे. ये था कि किस तरह से जो है ना बेसिकली डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स है रोटिफेरा की, कहाँ क्या इसका हैबिटेट है, इसकी कितनी स्पीशीज पाई जाती हैं, इसका एक्सटर्नल फीचर क्या है, किस तरह से जो है ना वो इसके अंदर जो है ना डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, माउथ, उसके बाद जो है ना उसे फेरनेक्स इसोफेगस, स्टमक के बाद इंटेस्टाइन, और किस तरह से लोकल ब्लडर का फंक्शन क्या है. ठीक है, ये थी बेसिकली डिफरेंट जो थी ना फंक्शंस
ये है इंटरनल एनाटॉमी ऑफ टिपिकल रेटोफोरा के आमतौर पर किस तरह से जो है ना रेटोफोरा पाया जाता है, इनके फिलोडीनिया का ये स्ट्रक्चर था। क्लियर है कि किस तरह से जो डिफरेंट जो है ना ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं इन दी फाइलम रोटीफीरा। अब मैं थोड़ी सी मजीद जो है ना आपको डिटेल थोड़ी सी डिस्कस कर देती हूँ कि क्लासिफिकेशन ऑफ रोटीफीरा के हवाले से कि किस तरह से जो क्लास साइलोसीडिया में क्या इसकी थोड़ी सी डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स है। ये जो क्लास साइलोसीडिया ना सिंगल जीनस है, क्या है सिंगल जीनस है, और ये मेरीन रोटीफर्स है, क्या है मेरीन रोटीफर्स, जो कि आम तौर पर क्रस्टेशियंस के साथ मिलके जो है ना अपनी खुराक को हासिल करते हैं, ये क्रस्टेशियन के साथ ही खाना खाते हैं, लार्ज होते हैं और इलोंगेट इनकी बॉडी होती है, इनके पास रिड्यूस्ड कोरोना होता है, क्या होता है इनके पास रिड्यूस्ड कोरोना होता है, सिर्फ और सिर्फ दो स्पीशीज इसके अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट अगर क्लास की बात करें क्लास नेबिडोलिडिया के बारे में, तो ये इसका इंटीरियर एंड जो होता है वो रिट्रैक्टाइल होता है, क्या होता है इंटीरियर एंड रिट्रैक्टाइल होता है, और इसने बियर किया होता है टू ट्रोकाइल डिस्क को, इसने क्या बियर किया होता है दो जो होती है ना ट्रोकाइल डिस्क को इसने बियर किया होता है, जो इसका मास्टिक होता है ना वो ग्राइंडिंग के लिए अडॉप्टेड होता है, इसके पास पेयर्ड ओवरीज होती हैं, सिलेंड्रिकल इसकी बॉडी होती है। अगर हम लोगों ने साइलोसीडिया की बात की तो इसकी इलोंगेट बॉडी थी और इसकी कैसी है सिलेंडर बॉडी है, मेल नहीं मौजूद इसके अंदर, मेल एब्सेंट है। इसकी तकरीबन जो है ना 590 स्पीशीज है, कितनी स्पीशीज है इसकी 590, जैसा कि एडिनीटा फाइलोडीनिया रोटा रोटेरिया इसकी जो है ना डिफरेंट स्पीशीज है। नेक्स्ट अगर बात करें क्लास मोनोग्रिंडिया के हवाले से, तो जो इसके पास एक ओवरी है, ठीक है, अब इसमें जो मास्टिक था ना उस स्पेशलाइज था कि फूड को ग्रैंड कर सके, जबकि इस क्लास के केस में जो है ना मास्टिक जो है ना मास्टिक को इस